Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा फार्मेसी फ्रेशर्स के बारे में. और बहुत सारे फार्मेसी फ्रेशर्स के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में सोच सोच के या जिन सवालों के बारे में सोच सोच के बहुत सारे फार्मेसी जो फ्रेशर्स होते हैं वो परेशान होते रहते हैं. बट इन फार्मेसी फ्रेशर्स को इनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते. और ऐसे ही जो है कुछ सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगा. अगर आप एक फार्मेसी फ्रेशर हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें. और आपके मन में जितने भी सवाल हैं एज अ फार्मेसी फ्रेशर वो सभी यहाँ पे सॉल्ट आउट हो जाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट रहते हैं. तो पहला जो सवाल है वो ये है बहुत सारे फार्मेसी फ्रेशर्स के मन में कि हम लोग एज अ फ्रेशर कैंडिडेट कैसे जॉब पाएं या एज अ फ्रेशर हम लोग फार्मेसी डोमेन में कैसे जॉब सर्च करें. और इस क्वेश्चन का बहुत बार मैंने आंसर दिया है अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी. बट एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको जॉब मिल सकती है. तो आप जो है सबसे बेस्ट जो तरीका है आप लोगों के लिए उस पर सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं. तो सबसे अच्छा जो वे होता है जॉब को पाने का वो होता है ओपन इंटरव्यू. ओपन इंटरव्यू के थ्रू आप जॉब पा सकते हैं. और ओपन इंटरव्यू जो होता है बहुत सारी जो एमएनसी कंपनी है, बहुत सारी जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक जो कंपनी है फार्मा कंपनी वो पर ईयर या हर 6 मंथ के बाद में ओपन इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं. और ओपन इंटरव्यू तब वो फार्मेसी कंपनी कंडक्ट कराती हैं जब उनको बहुत सारे फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है या उनके पास में बहुत सारी वैकेंसी होती है. उस टाइम पे ये जो फार्मेसी कंपनी होती है ये एमएनसी हो या रेगुलेटरी हो या डोमेस्टिक हो तो ये तब ओपन इंटरव्यू कराती है जब इनके पास में बहुत सारी वैकेंट सीट्स वहां पे रहती हैं. और अगर आप ओपन इंटरव्यू के थ्रू जॉब पाने का सोच रहे हैं तो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट वे यही है. ये इसलिए सबसे बेस्ट वे होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है, स्टार्टिंग सैलरी होती है एज अ फ्रेशर वो ज्यादा होती है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन अदर वेज के साथ में करें. अगर आप इस वे को छोड़ के किसी अदर वे के थ्रू जॉब पाते हैं तो वहां पे आपकी सैलरी बहुत कम होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो ओपन इंटरव्यू होता है उसमें आपको अपना जो आपकी नॉलेज होती है उसको वहां पे दिखाने का चांस मिलता है. तो यहाँ पे जो जॉब मिलती है वो नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू के बिहाव पे मिलती है. और जहाँ पे आपका सिलेक्शन आपकी नॉलेज के बिहाव पे होता है तो वहां पे आपकी जो सैलरी होती है वो आपके मन मुताबिक होती है और वो ज्यादा होती है अदर अगर हम लोग कंपेरिजन करें अदर वेज से. अगर आप जॉब पाते हैं उनके साथ अगर कंपेयर करें तो इसीलिए ओपन इंटरव्यू के थ्रू आपको सबसे पहले ट्राई करना है. उसके बाद आप कॉन्टेक्ट पर्सन के थ्रू भी जा सकते हैं, अपने रिलेटिव के थ्रू भी जा सकते हैं. बट रिफरेंस आप उसका वहां पे दे सकते हैं फार्मेसी जॉब के लिए जिसके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन न हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. उसके बाद जो है आपने अगर जैसे कि ट्रेनिंग किया है प्रीवियसली उसी फार्मा कंपनी में और उसी फार्मा कंपनी में आपको जॉब चाहिए तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि वहां पे आपको जॉब मिल जाए क्योंकि बहुत सारे वहां पे एचआर के साथ में आपके रिलेशन बन जाएंगे, बहुत सारे पर्सन आपको वहां पे जानने लगेंगे. तो जो रिलेशन होते हैं या जो आपके वहां पे कॉन्टेक्ट में पर्सन आ जाते हैं जब आप वहां ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं जॉब दिलाने में. उसके बाद जो है बहुत सारी जो ऑफिशियल ऑनलाइन जॉब साइट्स होती हैं उनके थ्रू जा सकते हैं, लाइक जैसे कि Naukri.com, अदर बहुत सारी साइट्स हैं या पोर्टल्स हैं उनके थ्रू आप जॉब पा सकते हैं. उसके बाद कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हैं. बट जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और जो पोर्टल्स हैं या जो कंसल्टेंसी है ये उतने अच्छे वे नहीं माने जाते क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. और आपको जो है एज अ फ्रेशर फार्मेसी
कैंडिडेट इन सभी वेज के साथ में वहां पे सोच समझ के डील करना चाहिए, लाइक जैसे कि ऑफिशियल जॉब साइट्स और जो पोर्टल्स होते हैं या फिर जो कंसल्टेंसी होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते रहते हैं, बहुत सारे फार्मेसी फ्रेशर कैंडिडेट्स मुझे बताते रहते हैं कि सर मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है तो अब मैं क्या करूं। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत सारे फार्मेसी फ्रेशर कैंडिडेट का। और सेकंड जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है फार्मेसी कैंडिडेट्स के साथ कि वो एज अ फार्मेसी कैंडिडेट मार्केटिंग की जॉब करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग को ही हम लोग जो है एक जैसे कि प्लांट की जॉब भी बोलते हैं कि प्लांट में जाके जॉब करें। बहुत सारे फॉर्मुलेशन प्लांट होते हैं, बहुत सारे जो है प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वो प्लांट होते हैं फार्मेसी के, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो कहाँ पे जाके ट्राई करें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपको मार्केटिंग की जॉब करनी है या आपको मैन्युफैक्चरिंग की जॉब करनी है या फिर आपको जो है इंडस्ट्री जॉब करनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए और जो जॉब आपके लाइफ स्टाइल को सूट करे, जिस लाइफ स्टाइल के साथ में आप अच्छे से जो है अपने आप को ढाल पाए, जिस जॉब के उसी में आप जाएं। वो भले ही मार्केटिंग की जॉब हो, भले ही मैन्युफैक्चरिंग की जॉब हो या इंडस्ट्री जॉब हो। तो मार्केटिंग की जो जॉब होती है उसमें सैलरी ज्यादा होती है जो मार्केटिंग फार्मेसी जॉब होती है। और इस जॉब में क्या करना होता है, आपको बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होती है और बहुत सारे डॉक्टर्स से जो है एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको जाके मिलना होता है और डॉक्टर्स को ये बताना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है कौन सी डिजीज में काम आता है या कितना उसका प्राइस जो है रखा गया है कंपनी के थ्रू। तो आपको जो है बहुत सारे सेल्स के टारगेट मिलते हैं कंपनी से, तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहां पे जाते हैं और फिर आपका प्रमोशन भी यहाँ पे होता रहता है। आप लोग जो है सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर और जो है बहुत सारे, जैसे कि एक आप पूरे स्टेट के मैनेजर बन जाते हैं फार्मेसी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप पूरे स्टेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस लेवल पे जाके सैलरी भी बहुत हाई हो जाती है और जो है स्टार्टिंग में सैलरी मार्केटिंग में ज्यादा होती है। अगर आप एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जाएंगे और अगर हम लोग उसका कंपैरिजन जो है इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग की जॉब के साथ करें, उसके बाद जो है जो आपकी टाइमिंग्स होती हैं उसको आप अपने हिसाब से जो है मार्केटिंग जॉब्स में एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने बजे आपको सुबह उठना है, कितने बजे तैयार होके जाना है। ये टोटली डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। तो टाइमिंग्स आपकी होंगी वहां पे, और ऐसा नहीं है डॉक्टर्स भी जो है 10 बजे के बाद ही पेशेंट से या जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे मिलते हैं। तो आपको डॉक्टर्स से मिलना है तो आप अपनी टाइमिंग्स को अपने हिसाब से वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से अपनी लाइफ को वहां पे सेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी से आपको टारगेट मिला है उसको आप लोगों को पूरा करना है, तभी आपका प्रमोशन होगा, तभी आपका सैलरी में जो है वहां पे इंक्रीमेंट होगा। और अगर आप अपने अंदर जो है ईगो रखते हैं या आपको फील्ड वर्क अच्छा नहीं लगता तो मार्केटिंग की जॉब्स आपके लिए बेस्ट नहीं है, आप इसमें बिल्कुल मत जाएं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से एंटरटेन भी नहीं करते और आपको घंटों घंटों ऐसे ही बाहर बैठा के रखते हैं वेटिंग में। तो अगर आपको ये सभी चीजें अच्छी नहीं लगती या छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है या आप अपने अंदर ईगो रखते हैं या फिर जो है आप किसी की बात नहीं सुन सकते या किसी का वेट नहीं कर सकते, तो मार्केटिंग जॉब्स जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो है आप अपनी फैमिली को भी उतना टाइम जो है नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर आपको स्टेट लेवल पे भेज दिया गया तो फिर आपको जो है फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, तो वहां पे आपका डिस्टेंस जो है बहुत ही वहां पे बढ़ जाएगा अपनी फैमिली से। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक जो है बहुत ही डिप्रेशन टाइप का रहता है जब आपको कंपनी से जो है कोई सेल्स का टारगेट मिलता है तो वो टारगेट आपको अचीव करना ही होता है। तो ये भी इसमें जो है एक जो है इसमें बैड चीज है जो आपको ध्यान रखनी है।
उसके बाद जो है जो इंडस्ट्री जॉब्स होती हैं इसमें सैलरी तो कम होती है, अगर हम लोग उसका कंपेरिजन मार्केटिंग जॉब्स के साथ करें, फार्मा मार्केटिंग जॉब्स के साथ करें, और इसमें जो टाइमिंग्स होती हैं वो टोटली डिपेंड्स करती हैं कंपनी के प्रोटोकॉल्स पे कि कितने बजे आप वहाँ पे जाएंगे, कितने बजे आप वहाँ से आएंगे। और जो मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं उसमें नाइट शिफ्ट नहीं होती। जो इंडस्ट्री जॉब होती हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होती हैं फार्मा कंपनी की, उसमें जो है नाइट शिफ्ट होती है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप जो है विदाउट गेट पास जो है जॉब के बीच में या अपने जो आपकी टाइमिंग्स हैं जॉब की, कितने घंटे आपको वहां पे रहना है, विदाउट गेट पास आप वहां से नहीं जा पाएंगे। और आफ्टर 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ही आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड सैलरी और जो अच्छी पोस्ट होती है वो आपको वहां पे मिल पाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग के 2 ईयर से पहले अगर आप जॉब को स्विच करते हैं, छोड़ते हैं, तो आपको वहां पे जो है एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, सैलरी स्लिप नहीं मिलेगी। ये भी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर आपको गुस्सा आता है या आप ईगो में रहते हैं तो यहाँ पे जो है फिर आप ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद क्योंकि जिन सीनियर से आप यहाँ पे सीखेंगे या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे उनको देख देख के, उनसे आपको जो है छोटा बन के ही वहां पे बात करनी पड़ेगी, तभी आप उनसे सीख पाएंगे। अगर आप उनसे बड़ा बन के बात करेंगे तो आपको कोई नहीं वहां पे सिखाएगा, आपको कोई एंटरटेन वहां पे नहीं करेगा, जिससे कि आपका बहुत सारा लॉस वहां पे होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो एम फार्मेसी करके जाते हैं बट वहां पे पहले से बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस गेन करके रखते हैं। तो जो एम फार्मेसी कैंडिडेट है वो ये सोचता है कि उसको छोटा बन के उस एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट से सीखना पड़ेगा, जबकि वो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट कैंडिडेट 10 ईयर का एक्सपीरियंस लेके पहले से बैठा हुआ है। तो ये सभी चीजें जो है वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट सोचते रहते हैं और सीख नहीं पाते, अपने ईगो में रहते हैं कि मैंने तो एम फार्मेसी किया, मैं एमएससी केमिस्ट्री से क्यों वहां पे सीखूं, मैं उससे क्यों बात करूं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद जो है ये सभी चीजें आपको एज अ फार्मेसी फ्रेशर ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए अच्छा होगा एज अ फार्मेसी फ्रेशर, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स का आता है, इसका भी जवाब दूंगा। बट इस पे जवाब देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक क्वेश्चन अभी मुझे आया था कुछ दिन पहले कि मैंने बोला कि जो फार्मेसी कंपनी होती है वो फ्रेशर कैंडिडेट्स को, अगर वो रेगुलेटरी डोमेस्टिक हैं तो वो 12,000 से 15,000 के बीच में देती हैं, और जो एमएनसी कंपनी होती हैं वो 15,000 से 20,000 के बीच में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट सैलरी देती हैं फार्मेसी फ्रेशर्स को। तो एक कैंडिडेट ने मुझे लिख के भेजा कि सर मेरा एक फ्रेंड है उसको 25,000 जो है सैलरी इन स्टार्टिंग मिली है। तो मैंने उससे पूछा कि कंपनी का क्या नाम है, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मिलती है, मैं ये नहीं बोलता कि 25,000 रुपए जो है पर मंथ की सैलरी नहीं मिल सकती या इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं ऐसा नहीं वहां पे बोल रहा हूँ, मिलती है, बट इसके पीछे एक रीजन रहता है कि अगर स्टार्टिंग में सैलरी आपको हाई मिल गई है तो 2 साल तक फिर आप इंक्रीमेंट का सैलरी में भूल जाओ, तो वहां पे सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये लॉजिक है उसके पीछे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है पूरी बात नहीं सुनते, वो अपना लॉजिक जो है उसमें बीच में डाल देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं वो एक गलत नॉलेज हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम आपको सही गाइड कर रहे हैं, सही से नॉलेज आपके साथ में जो है शेयर कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। आप क्यूसी में चले जाएं, क्यूए में चले जाएं, प्रोडक्शन में चले जाएं एज अ फार्मेसी फ्रेशर, तीनों ही डिपार्टमेंट अच्छे हैं, बट आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है तो आपके लिए क्यूसी डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है। अगर आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करना अच्छा लगता है तो क्यूए डिपार्टमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको प्रोडक्शन में जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है, टैबलेट का बनना, सिरप का बनना, इंजेक्शन का बनना, सस्पेंशन का बनना, ऑइनमेंट का बनना, या आपका जितने भी अदर फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बनना, ये सब बनाने में आपको अच्छा लगता है या इनकी मॉनिटरिंग करने में आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए प्रोडक्शन बेस्ट है। बट स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलती है
एज अ फार्मेसी फ्रेशर वो सारे सभी के सभी डिपार्टमेंट में आपको सेम मिलती है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपसे एक वहाँ पे कॉलम रहता है, उसमें ये पूछा जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर उसी डिपार्टमेंट का जो एक HOD होता है या जो मैनेजर होता है वो आपसे इंटरव्यू लेता है आपका, और उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड पूछा जाएगा, अगर QC में जा रहे हैं तो QC से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप QA में जा रहे हैं तो QA से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वहां पे अराइज होंगे। तो सैलरी तीनों ही डिपार्टमेंट में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट सेम रहती है, बट आफ्टर 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद या 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी में जो है जो इंक्रीमेंट आता है, सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट आता है वो प्रोडक्शन में आता है, उससे कम QA में आता है, उससे कम QC में आता है। तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट आता है सैलरी में वो प्रोडक्शन में आता है। क्यों आता है, इसके पीछे भी जो है एक रीजन है, इसके पीछे भी जो है एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि प्रोडक्शन का जो जॉब होता है वो बड़ा ही एक तरह से हार्ड जॉब होता है, अगर हम लोग उसका कंपैरिजन QA या QC के साथ में करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादातर जो काम करना होता है वो खड़े रह के करना होता है। यहाँ पे आपको चेयर नहीं मिलती बैठने के लिए, आपको जो इधर उधर घूम के काम करना होता है, आपको बहुत सारे जो बैचेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के जो बैचेस होते हैं उनको मॉनिटर करना होता है, उनको देखना होता है। और जो QC है, QC में आपको कुछ काम खड़े होके भी करना होता है, कुछ काम आपको बैठ के भी करना होता है। अगर आप ड्राई लैब में हैं तो आप जो है वहां पे बैठ सकते हैं, अगर आप वेट लैब में हैं तो वहां पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो ऐसे वहां पे रहता है। जो QA का डिपार्टमेंट है, QA में आपको जो है बैठ के भी काम करना होता है, खड़े होके भी काम करना होता है, एज अ फ्रेशर आपको खड़ा रहना पड़ेगा QA में कुछ टाइम के लिए। बट जब आप वहां पे सीनियर हो जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा काम बैठने का वहां पे मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन का वहां पे काम मिल जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसमें नाइट शिफ्ट लगती है, आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नाइट शिफ्ट नहीं कर पाते। जो QC डिपार्टमेंट है उसमें नाइट शिफ्ट जो है लगती है, बट जो QA डिपार्टमेंट है इसमें बहुत कम नाइट शिफ्ट लगती है। आपको एज अ फ्रेशर जो है वहां पे नाइट शिफ्ट में जाना पड़ सकता है स्टार्टिंग के 1 to 2 ईयर, उसके बाद नाइट शिफ्ट आपकी वहां पे नहीं लगेगी जब आप जो है एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। बट QC और प्रोडक्शन में जो है जब तक आप डिप्यूटी मैनेजर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मे बी आपकी जो है नाइट शिफ्ट लगती रहेगी। तो ये कुछ यहाँ पे फ्रेशर्स के जो है कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सवाल थे या कुछ प्रॉब्लम्स थी एज अ फार्मेसी फ्रेशर। जो कैंडिडेट्स जो है अब इन सवालों को सोच सोच के परेशान होते हैं, तो इनके मैंने यहाँ पे आपको जवाब दिए। और आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% जो है अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपके मन में एज अ फार्मेसी फ्रेशर जो है चलते रहते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज।